जाफर नगर के अवस्थी चौक पर हुए प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के नागपुर शहर संयोजक कमल हरियाणवी ने मुस्लिम समुदाय के वली सूफी संतों की मजारों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिए और हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की बात कही। उन्होंने हिंदू युवाओं को कानून अपने हाथ में लेने के लिए भड़काने का प्रयास भी किया। इस मामले में जिशान सिद्दीकी की शिकायत पर गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में कमल हरियाणी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए शिकायत दर्ज कराने सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर शामिल हुए। कमल हरियाणी नामक व्यक्ति ने जाफर नगर के अवस्थी चौक पे जो बेहद आपत्तिजनक अपशब्दों का इस्तेमाल किया समुदाय के बारे में, उस कमल हरियाणी के खिलाफ में गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें सेक्शन 196 और सेक्शन 299 उसके ऊपर में लगाए गए। हमारा ये मैसेज है कि जो कमल हरियाणी जैसे जो चंद फितने हैं, जो देश की शहर की जो अच्छी खासी एकता उसको भंग करने की कोशिश करते, आज हमारे हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग हम लोग साथ में पल्ले पढ़ रहे, एक ही स्कूल में पढ़ रहे, एक दूसरे के डब्बों से खाना खाते हैं बड़े हुए। इस एकता को जो खत्म करने की अब ये साजिश करता है या इससे कोई साजिश करवाता है, इसकी भी जांच होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मैं मेरे सभी भाइयों से, चाहे किसी भी समुदाय से रहे, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बॉयकॉट करें। मैं ये भी मैसेज दे रहा हूँ कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति भी आपको ऐसा नजर आता है जो आपके हिंदू समुदाय के बारे में कुछ गलत बयान करता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आप लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे कि नहीं। कोई भी यदि अगर मुस्लिम व्यक्ति भी हिंदू भाइयों के बारे में उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, तो उसमें भी आप कभी भी आई हम लोग खड़े हुए नजर आएंगे। जो मजार होती है, दरबार होती है सूफी संतों की, वली अल्लाह की, ये हमारे यहाँ का इतिहास रहा है कि वलियों की दरबार में आपको मुस्लिम समुदाय से ज्यादा हिंदू भाई मिलेंगे, सबको वहां से शिफा मिलती है। तो मजारों के बारे में बेहरमती करना, मजारों के बारे में भाई टीका लगा के खड़े हुए हैं, उधर घुमाओ कैमरा, भैया गलत बोल रहा हूँ क्या? हमने सही बात, दरबार मानते कि नहीं सब लोग, मिलती ना सबको शिफा वहां से। तो हमारे यहाँ का जो माहौल है, ये ऐसा माहौल है दूसरे भाई लोगों को जो बेचारे एजुकेटेड है, जो हमारे हिंदू समाज के भाई लोग जो युवा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपने बोलना चाहिए कि किताब हाथ में लो। तो ये कमल हरियाणी उनको मैसेज देता है कि शस्त्र हाथ में उठाओ, तो ऐसे लोगों के बहकावे में कोई भी नहीं आना चाहेगा। अपराधी अपराधी होता है वो किसी भी समाज का वर्ग का नहीं होता है, ये आप सबको समझना पड़ेगा। किसी भी बहकावे में हमारे लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर कोई न्यूज ऐसी आती है कि उसने फिर कुछ किया या कोई मैसेज वायरल किया, तो आपके पास डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाने का वक्त है, पुलिस स्टेशन जाइए या अपने सारे जो समाज के लोग हैं वरिष्ठ उनसे संपर्क करें। कोई भी युवाओं ने कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। जिस किसी लोगों को बार बार अगर कोई मुसलमानों के जहर दिल में भरा है, वो कभी भी हमारे पास आए, हमसे बैठे, हमसे अगर कोई शिकायत है वो क्लियर करे और आपसी सद्भाव बनाए। कि बुजुर्ग आने दिन के बारे में ना भूले, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो किसी एक समाज के नहीं होते, वो दुनिया में लाए इसलिए जाते हैं कि जो पूरी पूरे लोग हैं वो सबके लिए शिफा का काम करते हैं। बस मैं यही चाहूंगा भाई कि भाईचारा कायम रहे और एक अच्छा मैसेज जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्टेशन के अंदर आपको उम्मीद है कि अरेस्ट होगा, और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसी साजिश की हरकतें करते हैं इनके पुराने रिकॉर्ड भी जाहिर सी बात है हम लोग निकालने के बाद कार्रवाई हो सकती है। हमारा इनसे पर्सनल कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप बेवजह अगर किसी समुदाय को टारगेट करोगे, हमारा रिकॉर्ड इसके पहले भी आप लोग जानते हैं, मेरे को भी जो नहीं जानते हो रिकॉर्ड निकालो। हम लोग हर समुदाय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये पर्टिकुलर मुस्लिम के अगेंस्ट बोले इसलिए खड़े हुए नहीं है। इतना ही बोलूंगा कि ऐसे लोगों की बातों में हिंदू भाई भी ना आए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ले आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED TV, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।